हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बच्चों एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अप्रोचेस के बारे में, ठीक है। और इसमें हम जानेंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अप्रोच क्या होता है। हिंदी में इसको कहते हैं उपागम। अच्छा, उपागम को अगर आसान से शब्दों में हम समझने की कोशिश करें, अप्रोच की समझने की कोशिश करें, तो इसका मतलब ये होता है कि एक तरीका या दृष्टिकोण जिसके आधार पर किसी चीज़ की आप विवेचना कर सकते हैं, किसी जिसके आधार पर किसी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में तीन उपागम, तीन अप्रोचेस मुख्यतः बताए गए हैं। पहला है हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। तो उपागम का मतलब, हार्डवेयर अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि एक दृष्टिकोण है, एक तरीका है जिसके आधार पर हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहे हैं जो कि हार्डवेयर के पार्ट में है, मतलब कठोर रूप में है, ठीक है। वैसे सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर के रूप में है, जो कोमल रूप में है। तो वो उपागम का मतलब, उपागम अध्ययन का वह तरीका या दृष्टिकोण है जिसके आधार पर किसी विशेष सामाजिक तथ्य की विवेचना की जाती है, ठीक है। ये बात हो गई उपागम की। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट तीन इन चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम। इंग्लिश इसमें कहते हैं कठोर शिल्प उपागम, मृदुल शिल्प उपागम और प्रणाली उपागम। कठोर को हम प्रथम उपागम भी कहते हैं, मृदुल को हम कोमल उपागम भी कहते हैं और सिस्टम को तो प्रणाली उपागम हम कहते ही कहते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाई वन इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बट एक नज़र हम डाल लेते हैं आपका जो मेन पॉइंट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि शैक्षिक तकनीक में। तो शैक्षिक तकनीक में हमने बताया था कि शैक्षिक तकनीक दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस तकनीक, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का इस्तेमाल। आसान से शब्दों में आपको इस प्रकार से बताया गया था कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान एवं सिद्धांतों का प्रयोग कर शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की विधि शैक्षिक तकनीकी कहलाती है, यानी कि क्या कहलाता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहलाता है, शैक्षिक तकनीक कहलाती है, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। अब हम आ जाते हैं अपना हार्डवेयर अप्रोच। तो जब हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो मोस्टली हम हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए हार्डवेयर डिवाइसेस का मतलब, हार्डवेयर अप्रोच का मतलब शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों को, ठीक है, प्रयोग प्रथम कठोर शिल्प उपागम कहलाता है, प्रथम शिल्प उपागम या कठोर शिल्प। इसका मतलब हुआ कि जब हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के रूप में हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, अभियंत्रिक मशीनें, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मशीन्स के इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है, प्रथम शिल्प उपागम या कठोर शिल्प उपागम कहलाता है, ठीक है। कठोर शिल्प उपागम का जन्म भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग से हुआ है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, अभी आगे बहुत काम आएगा कि कठोर शिल्प उपागम का जन्म भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग से हुआ है। आसान से शब्दों में हम समझें, जैसे मोबाइल से पढ़ना, तो ये मोबाइल है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये हार्डवेयर पार्ट्स में, इसके हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और ये भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है, तो ये कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कठोर शिल्प उपागम दृश्य श्रव्य सामग्री या मशीन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब क्या होता है, वह सामग्री जो दिखाई देती है और वह सामग्री जो सुनाई देती है, या इसे मशीन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखा है कि इस तकनीकी के माध्यम से जब आप शैक्षिक तकनीकी में हार्डवेयर अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें इसके द्वारा ज्ञान को प्रिजर्व कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं कुछ समय तक, ठीक है, इसको एक पीढ़ी से दूसरी तक पहुंचा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं और ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं, ठीक है, हार्डवेयर अप्रोच के माध्यम से। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो चलचित्र यानी कि सिनेमा, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर अप्रोच के अंतर्गत आती हैं क्योंकि ये भौतिकी विज्ञान और इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है, ये आप इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं और इसका शिक्षा में इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं बच्चों, हार्डवेयर अप्रोच के अंतर्गत, ये उसके उदाहरण है। अच्छा, सेम चीज़ को हम आइए समराइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं और आसान से शब्दों में, अब तक आपने जो भी हार्डवेयर अप्रोच के बारे में पढ़ा उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो आसान से शब्दों में कठोर शिल्प उपागम का तात्पर्य शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी उपकरणों से है जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाया जाता है और शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कठोर शिल्प उपागम का मतलब क्या होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करके आप शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा को रुचिपूर्ण और प्रभावशाली बनाते हैं। इसके एग्जांपल्स में क्या हो गए, चलचित्र, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, टीवी, स्मार्टफोन, मोबाइल, टैबलेट, ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, हार्डवेयर अप्रोच के एग्जांपल्स हैं।
अब इनको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? रटने वाली बात नहीं, बिल्कुल समझने वाली बात है, श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन। इसके तीन भाग जो हम यहाँ पे तीन भागों में जो बांटा गया है वो कौन कौन सा है बच्चों? श्रव्य साधन, श्रव्य साधन, श्रव्य साधन का मतलब वो साधन जो हमें सुनाई देता है, ठीक है। दृश्य साधन का मतलब वो साधन जो हमें दिखाई देते हैं, और श्रव्य दृश्य मतलब जो सुनाई भी दे और दिखाई दे। तो श्रव्य साधन का मतलब हम समझ लेते हैं कि वह साधन जो श्रवण इंद्रिय प्रभावित करता है, जैसे कि ट्रिप रिकॉर्ड, टेप, रेडियो टेप। तो रेडियो और टेप में आप देखेंगे आप केवल ये सुनाई देता है, रेडियो में बोलने वाला व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता। दृश्य साधन में वह साधन जो हमारी दृश्य इंद्रियों को प्रभावित करता है, जैसे चार्ट, मैप, मॉडल, स्लाइड, प्रोजेक्ट इत्यादि, ये केवल दिखाई देते हैं। और श्रव्य दृश्य मतलब जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। अब जो सुनाई दे और दिखाई दे मतलब जैसे कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, टैबलेट, तो ये सारी चीज़ें सुनाई भी देती हैं और दिखाई देती हैं। तो यही है बच्चों, यही है हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर के अप्रोच के बारे में बस इतना ही जानना है, इसी से सवाल आता है और बस यहीं से आपको लिखना है। अगर मान लीजिए हार्डवेयर अप्रोच के बारे में पूछ जाए कि हार्डवेयर अप्रोच के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो बस इतना ही आसान है, शिक्षा को रुचिकर बनाना, प्रभावशाली बनाना, आसान बनाना, ठीक है, बच्चों को आसानी से समझा देना, प्रत्यक्ष शिक्षा देना, ये सारी चीज़ें इसके उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप इसको समझ जाएंगे, आसानी से लिखेंगे। बात यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मृदुल शिल्प उपागम यानी कि कोमल शिल्प उपागम। अब कोमल शिल्प उपागम में क्या होता है? देखो, हमें ये तो बताया कि हार्डवेयर में हमने हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ कर लिए, अब सॉफ्टवेयर में क्या होता है? शिक्षा में हम कहाँ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं, यहाँ पे होता है मृदुल शिल्प उपागम। भौतिकी विज्ञान, यहाँ पे भौतिकी छूट गया, ठीक है। भौतिकी विज्ञान व तकनीकियों पर आधारित ना होकर सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और विशेष करके अधिगम की मनोविज्ञान की आधारशिला पर खड़ा है। हमारा जो हार्डवेयर था वो भौतिकी विज्ञान पे था, लेकिन हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान पर आधारित है। सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान, विशेष तौर पे कौन सा? अधिगम के मनोविज्ञान के आधार से है, मतलब साइकोलॉजी पे ये डिपेंड करता है कि बच्चों को आप मन को समझ के कैसे पढ़ाएंगे। तो अब आप बताइए कि क्या आप साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं शिक्षा में? बिल्कुल करते हैं, जैसे पुरस्कार एवं दंड देना, सहानुभूति देना, उनको प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर समझाना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आप मनोविज्ञान का उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच को हम कोमल शिल्प उपागम यानी कि मृदुल शिल्प उपागम भी कहते हैं। तो कोमल शिल्प उपागम में शिक्षण तथा अधिगम के मनोविज्ञान सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, समझ में आ गई बात। अब इसमें देखिए, मृदुल शिल्प के अंदर तीन चीज़ें कौन कौन सा? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, हिंदी में अदा, प्रक्रिया और प्रथा, तीनों पक्षों को विकसित किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो टीचर साइकोलॉजी के बारे में आपको मोटिवेट कर रहा है या फिर साइकोलॉजिकल यूज़ कर रहा है, वो तो हमारा इनपुट हो गया। अब वो बच्चे के अंदर जाके कितना असर करता है, बच्चे उस आधार पे कार्य कैसे करते हैं, सीखते कैसे हैं, ये प्रोसेस हो गया। और वो टोटल सीखना क्या हुआ, लास्ट में उनका रिजल्ट क्या हो गया, ये उनका आउटपुट हो गया। तो साइकोलॉजी के बारे में, तो मनोविज्ञान के इस्तेमाल से शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के इस्तेमाल से यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कोमल शिल्प उपागम के इस्तेमाल से इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों पक्षों का विकास होता है। अब इसके अन्य नाम भी हैं, इसको हम शैक्षिक तकनीकी द्वितीय कहते हैं, इसको हम अनुदेशन तकनीक भी कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहते हैं, अनुदेशन तकनीकी भी कहते हैं, और यहाँ पर शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, व्यवहार तकनीकी और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो ये जो टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, ये है बच्चों, इन सब में हम सॉफ्टवेयर अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण के तौर पर मनोविज्ञान के उदाहरण, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत और रणनीति जो बनाना होता है, वो सब क्या होता है, ये आता है सॉफ्टवेयर अप्रोच के। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर अप्रोच, और कई बार नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई बार पूछा है सवाल आपसे। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच और हार्डवेयर अप्रोच की अंतर बताइए, यानी कि सॉफ्टवेयर अप्रोच और हार्डवेयर अप्रोच में क्या डिफरेंस है। तो आइए, तो भैया इसमें क्या था, इसमें हम अभियांत्रिक मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे थे, मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। इसको हम शिक्षण तकनीकी प्रथम कहते हैं, इसको शिक्षण तकनीकी द्वितीय कहते हैं, ठीक है। कठोर शिल्प उपागम को मशीन उपागम कहा जाता है, जबकि इसको क्या कहते हैं, अनुदेशन तकनीकी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कठोर शिल्प उपागम का मुख्य आधार क्या है, भौतिकी विज्ञान है, जबकि इसका क्या है, मनोविज्ञान है। कठोर शिल्प उपागम अविभार भौतिकी विज्ञान व अभियंत्री है, जबकि मृदुल शिल्प उपागम का अविभार शिक्षण अधिगम सिद्धांत में परिणाम स्वरूप हुआ है। कठोर शिल्प उपागम श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित है, जबकि मृदुल शिल्प उपागम अनुदेशन एवं व्यवहार तकनीकी पर आधारित है, ठीक है। कठोर शिल्प उपागम पूर्णता के लिए मृदुल शिल्प उपागम होना आवश्यक है, ये बात बहुत अच्छी बात है।
जबकि कठोर शिल्प उपागम के बिना मृदु स्वर का सही। ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बच्चे को मशीन से डिवाइस से भी पढ़ा रहे हैं तो वहाँ भी आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर अप्रोच का इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, केवल सॉफ्टवेयर अप्रोच से नहीं, आपको साथ ही साथ हार्डवेयर अप्रोच का भी इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों को साथ साथ लेके चलना होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात दोनों की तुलनात्मक अध्ययन। अब आइए अब आपके तीसरे पॉइंट पर चलेंगे। तीसरा पॉइंट है बच्चों, प्रणाली उपागम यानी कि सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच वास्तव में एक सिस्टम के तौर पे काम करता है जो दोनों कार्य को बैलेंस करता है। ठीक है, दोनों कार्य को एक साथ चलाता है। ये आपके स्कूल्स के सिस्टम हो गए, जो मैनेजमेंट हो गया, उससे आप इसको समझ सकते हैं। तो प्रणाली उपागम के अंतर्गत हम क्या समझ सकते हैं कि प्रणाली उपागम का अर्थ किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्व नियोजन करना, तो अर्थात एक ऐसी प्रणाली बनाना जो कार्य को सही ढंग से करने में सहायक हो, उसे प्रणाली उपागम कहते हैं। मतलब सिस्टम की बात की जाए कि एक टीचर और एक मशीन या फिर डिवाइस मिलकर, दोनों साथ मिलकर कैसे काम करेंगे, एक सिस्टम बनाता है, इसी को हम प्रणाली उपागम कहते हैं, सिस्टम अप्रोच कहते हैं। और ये दोनों के बीच की कड़ी होता है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इस्तेमाल होता है। प्रणाली उपागम का प्रयोग शिक्षा में शैक्षिक तकनीक के रूप में किया जाता है। प्रणाली उपागम हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच पुल का कार्य करता है। आधुनिक युग में शिक्षा जितनी हार्डवेयर उपागम तकनीकी मशीनी की आवश्यकता है, उतनी ही क्या है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, उतनी ही सॉफ्टवेयर उपागम तकनीकी यानी कि मनोविज्ञान सिद्धांत की है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों को एक साथ प्रयोग किया जाता है, यही प्रणाली उपागम कहलाता है। मतलब एक सिस्टम है जो इन दोनों के बीच का पुल का कार्य करता है, दोनों को एक साथ चलाता है, तो वही हमारा क्या हो गया, सिस्टम अप्रोच, इसीलिए इसका नाम रखा गया सिस्टम। ठीक है, अब आइए उपयुक्त दोनों हार्डवेयर उपागम तकनीकी व सॉफ्टवेयर उपागम तकनीकी के साम्य यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने से शिक्षा में तकनीकी का विस्तार करने से तीसरा पक्ष प्रणाली उपागम भी महत्वपूर्ण है। यानी कि तीसरा पक्ष क्या है, कोऑर्डिनेशन है, दोनों उपागमों का कोऑर्डिनेशन है। ठीक है बच्चों, ये लास्ट पॉइंट है प्रणाली उपागम का, कि प्रणाली उपागम का संबंध कक्षा के बाह्य परिवेश से होता है जो व्यवस्था में व्याप्त कमियों या समस्याओं को उजागर करता है और वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर उसका समाधान निकालता है। इस प्रकार प्रणाली उपागम के द्वारा विद्यालय के प्रबंध प्रशासन और व्यवस्था संबंधी समस्याओं का समाधान करके उसे प्रभावशाली एवं कम खर्चीला बनाया जा सकता है। सो ये हो गया आपका तीनों उपागमों के बारे में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आपसे पूछा है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अच्छा, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना है, वो ये है कि अब आप बीएड के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आपको नोट्स खुद से बनाना है, यहाँ पे आपको खुद से समझ के बनाना है। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको इन तीनों के बारे में समझाऊँ, क्योंकि अगर आप एक बार समझेंगे अब आप आसानी से किताब बंद कर सकते हैं। अपने शब्दों में बस इतना याद रखना है, हार्डवेयर अप्रोच में कौन सा, फिजिकल साइंस, सॉफ्टवेयर में मनोविज्ञान साइकोलॉजी, और सिस्टम क्या है, तीनों के बीच का पुल है। बस उसी आधार पे आप इसको लिख सकती है, लिख दीजिए, बहुत अच्छा। अपने शब्दों में नोट्स बनाइए। मैं आशा करता हूँ कि मैं समझाने में थोड़ा बहुत कामयाब रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अच्छी लगी हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि इससे रीच बढ़े, और अगर नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के टाइप्स, चार टाइप्स जो होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, उसको हम देखेंगे शैक्षिक तकनीकी के, तो उन चारों तकनीकों के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नहीं जुड़े हैं चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मेरा और आपका साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बाकी वीडियो के बारे में राय जरूर दीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जय जय भारत साथियों।